स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का आता है। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं एंड 2 क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के होते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी टॉपिक है, उसके कंसेप्ट बस एक बार समझने की जरूरत है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी के जो ये 10 मार्क्स हैं ये आपको आपके लिए फ्री के मार्क्स हैं। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बेसिक प्रोबेबिलिटीज की डेफिनेशन मैं क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी कराई थी उसमें बता चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लास 11th वीडियोस में। अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हैव अ लुक, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सब क्या होते हैं मैं क्लास 11th की वीडियोस में बता चुकी हूँ, जस्ट हैव अ लुक। एलिमेंट्री इवेंट, हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके हर आउटकम को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। If a random experiment is performed, then each of its outcomes, each important है यहाँ पे, हर outcome जो है उस random experiment का क्या होगा, elementary event, ठीक है। अब probability of an event, किसी भी event की हमें probability निकालनी है, तो probability क्या होती है, there are n elementary events, elementary events मतलब sample space के हर element को हम क्या कहेंगे, elementary event। n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं n एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में और उसमें से m जो है वो फेवरेबल टू एन इवेंट a, a कोई भी इवेंट लिया है उसको फेवर कर रहे हैं m, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट a क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने हैं m, टोटल कितने हो गए n, सो m बाय n, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो वो होता है सर्टेन या श्योर इवेंट, अगर आपकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। थ्योरेटिकली श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट आप मेरी क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी वीडियोस में देख सकते हैं, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक और चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और हम यहां से क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, सो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, सो मैक्सिमम 1 है, 1 में से हम कॉम्प्लीमेंट की माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की आएगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर ए और बी हमारे दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम दो की जगह 3 इवेंट ले ले, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, दोनों दो दो की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर ऐड कर दो तीनों में जो कॉमन है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्लस कर दो, ठीक है। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की। अगर हमारे जो ए और बी दो इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है. तो हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया मेरा फाइ. सो यहां से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये तो मेरा क्या हो गया फाइ. ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा ए बी सी तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी फाइ होगा, ए इंटरसेक्शन सी फाइ होगा, बी इंटरसेक्शन सी फाइ होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी फाइ होगा. तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मेरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. कब, जब ए बी सी तीनों ही क्या हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नेक्स्ट थिंग, ये चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगी. ए और बी आपके कोई भी दो इवेंट्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए ओनली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए के एलिमेंट्स हो बी के एलिमेंट्स ना हो. बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स होंगे. सो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए की प्रोबेबिलिटी में वो सारे एलिमेंट सब उस सब एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है जो बी में भी है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेकंड, अगर आपसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स आए वो वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. सो उसमें क्या होगा, हम बी के एलिमेंट्स लेंगे पर ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे. ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसमें क्या होगा, बी के एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकलेगी माइनस वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो ए में भी कॉमन है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब अगर आपको उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम मीन्स दोनों में से एग्जैक्टली एक आए, या तो बी के एलिमेंट्स आए या ए के एलिमेंट्स आए. देखो फर्स्ट वाला केस था जब ए के एलिमेंट्स आ रहे थे, सेकंड वाला केस था जब बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं. दोनों में से कोई भी एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, ए के एलिमेंट्स के आने की, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी बी के एलिमेंट्स आने की. एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब है या तो ए के एलिमेंट्स आए या बी के एलिमेंट्स आए, और आ रहा है और मीन्स प्लस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये मैंने एज इट इज लिख दिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या था, ये ना मैंने एज इट इज लिख दिया. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज. नेक्स्ट, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको क्वेश्चन में लिखी मिलती हैं, ये सब चीजें आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें क्या निकालना है, क्या गिवन है. सो एक बार ध्यान से देखिए, नॉट ए, ए बी सी यहाँ पे कोई भी इवेंट्स है, नॉट ए का मतलब ए नहीं है, ए नहीं है तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो आपको अगर कोई भी गिवन है क्वांटिटी, कोई भी टर्म गिवन है, उसमें लिखा हुआ है नॉट ए इक्वल्स टू थ्री, इसका मतलब कि वो ए कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है थ्री. ए और बी, ए और बी लिखा हो या एटलीस्ट वन ऑफ देम लिखा हो, उसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं. ए या बी में से कोई भी, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ए यूनियन बी की बात हो रही है. ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब कि दोनों में होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं. ए बट नॉट बी मीन्स ए तो है पर बी नहीं है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं. बी नहीं है मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट. बी बट नॉट ए, बी तो है पर ए नहीं है, ए नहीं होगा तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट. नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए मीन्स ए नहीं है मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी नहीं है मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है मीन्स इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आएगा. एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से एटलीस्ट एक होना चाहिए. अभी जो हमने केसेस किए थे उसमें थर्ड केस वाला आ गया, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी.
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए के एलिमेंट्स हैं बी के नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। वहां पे क्या किया था, प्लस। प्लस हम तब लगाते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अदरवाइज जब हम इवेंट्स लेते हैं तो हम यूनियन लगाते हैं। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्स, बी मीन्स बी के एलिमेंट्स हैं ए के नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ऑल थ्री ऑफ देम, ऑल थ्री ऑफ देम मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी, एग्जैक्टली टू ऑफ देम, ए बी सी तीन है, दो होने चाहिए, मीन्स ए और बी हो गया, सी नहीं है तो सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए नहीं है ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी है यूनियन, ए और सी है बी नहीं है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, मतलब ए वाला इवेंट है, ए के एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स भी नहीं है, सी के एलिमेंट्स भी नहीं है, यूनियन ए के एलिमेंट्स नहीं है, बी के एलिमेंट्स हैं और सी के एलिमेंट्स भी नहीं है, यूनियन ए के एलिमेंट्स नहीं है, बी के एलिमेंट्स नहीं है, सी के एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मीन्स या तो ए के एलिमेंट्स हो या बी के एलिमेंट्स हो या सी के एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो बाकी दो में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे बी और सी में कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पे ए और सी में, यहाँ पे ए और बी में। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट इट मे हेल्प मेनी नीडी वंस। We support free education to you.